Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Hello guys, I am Neelam and today we will discuss some MCQs based on virtual memory and page replacement algorithm. So, we have multiple choice questions on virtual memory and page replacement algorithm of operating system and here we have set 5. इससे पहले मैं 4 सेट और अपलोड कर चुकी हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि डेडलॉक फ्रेगमेंटेशन एंड शेड्यूलिंग पर बेस्ड हैं. तो अगर आप चाहते हैं उन्हें पढ़ना तो आप एक बार उन एमसीक्यूज को ज़रूर देखें. क्योंकि और चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी इज सो वॉट इज वर्चुअल मेमोरी. इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी. जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है और उसे पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो पेजेस एग्जीक्यूट होने उनको मेन मेमोरी में रखा जाए और जो पेजेस एग्जीक्यूट नहीं होने हैं करेंटली जो पेजेस एग्जीक्यूट नहीं होने जिन्हें बाद में एग्जीक्यूट करना है तो सिस्टम उन्हें हार्ड डिस्क में किसी एक सेक्शन में स्टोर करके रख देता है. तो उस सेक्शन को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी. तो यहाँ पर एक सिस्टम क्या करता है, एक इल्यूजन एक इमेज तैयार करता है जिसमें जो पेजेस करेंटली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे उनको उस सेक्शन में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा. क्योंकि हमारी मेन मेमोरी इतनी बड़ी नहीं होती, हमारी रैम का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता है कि पूरी की पूरी प्रोसेस को लोड किया जा सके. तो वो क्या होता है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के पेजेस जो होते हैं वो जिन पेजेस को एग्जीक्यूट होना है उनको सिर्फ मेन मेमोरी में लोड कर देगा और जब भी कोई दूसरे पेजेस की ज़रूरत होगी उसे क्या होगा, उसके लिए सीपीयू क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. तो जिस प्रोसेस के लिए या जिस पेज के लिए, जिस पर्टिकुलर पेज के लिए सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो हमारी कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में, जहाँ से वो उठकर फिर मेन मेमोरी में लोड होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग पेज इनटू मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड. तो जब भी किसी पेज की जरूरत होने पर उसे मेन मेमोरी में लाया जाए तो ऐसे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड. यहाँ पर जब भी हमने ऊपर देखा भी क्या होता है वर्चुअल मेमोरी, कि किसी प्रोसेस के कुछ पेजेस मेन मेमोरी में होंगे, कुछ पेजेस कहाँ होंगे, हार्ड डिस्क में, जिसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी. ओके, तो जो वर्चुअल मेमोरी में जो पेजेस हैं उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी, उनको भी तो एग्जीक्यूट करना ही है सिस्टम को. तो क्या होगा, जब भी उन पेजेस की जरूरत पड़ेगी सिस्टम को तो उसके लिए वो डिमांड जनरेट करेगा, मतलब डिमांड करेगा उन पेजेस के लिए और उन्हें फिर सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लाया जाएगा, मेन मेमोरी में. तो ऐसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, ऐसी मैकेनिज्म पेजिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिमांड पेजिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज रिप्लेसमेंट इज डन. पेज रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं हम, क्यों होता है सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट. सो ऑप्शंस आर व्हेन द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी, व्हेन द रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट फाउंड इन द सेकेंडरी मेमोरी, नेक्स्ट व्हेन द requested page is found in the main memory and when the requested page is found in the secondary memory. So the correct answer is option A, when the requested page is not found in the main memory. So this is called page fault. जब भी कोई पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है और उसकी रिक्वेस्ट की गई है तो मेन मेमोरी में नहीं होने के कारण वो कहलाता है पेज फॉल्ट और उसे फिर सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ लाया जाता है, मेन मेमोरी में. और उसी टाइम पे अगर मेन मेमोरी में कोई स्पेस खाली नहीं है उस पर्टिकुलर पेज को स्टोर करने के लिए तो हमें पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. तो पेज रिप्लेसमेंट क्यों होता है, जब भी पेज फॉल्ट होता है. और पेज फॉल्ट क्यों होता है, जब भी कोई रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में नहीं है तो वो पेज फॉल्ट होगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्रेस लोकेशन इन मेन मेमोरी इज रिफर्ड टू एज एड्रेस लोकेशन. यहाँ पर बात हो रही है मेन मेमोरी में जो पर्टिकुलर कोई पेज या प्रोसेस स्टोर होता है तो उसका एड्रेस लोकेशन क्या कहलाता है. सो द करेक्ट आंसर इज फिजिकल एड्रेस. जो मेन मेमोरी में कोई पेज स्टोर है तो उसका एड्रेस लोकेशन कहलाएगा आपका फिजिकल एड्रेस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाय. तो यहाँ पर हमने वर्चुअल मेमोरी भी पढ़ चुके हैं, हम डिमांड पेजिंग भी पढ़ चुके हैं, तो आपको आंसर तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों. लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जब पहला क्वेश्चन देखा था हमारा वर्चुअल मेमोरी क्या हो रहा था, कि जब कोई पेज कहाँ स्टोर है, आधे पेजेस उसके मेन मेमोरी में स्टोर है किसी प्रोसेस के और आधे पेजेस वर्चुअल मेमोरी में. तो वो कैसे आ रहे हैं वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में, कब आ रहे हैं, वो डिमांड पेजिंग के थ्रू, मतलब किसी पेज की डिमांड की गई है तब वो वर्चुअल मेमोरी से उठकर कहाँ आते हैं, मेन मेमोरी में. सो द वर्चुअल मेमोरी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है,
डिमांड पेजिंग से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल. ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल किसके लिए मेंटेन करके रखता है? फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच प्रोग्राम, फॉर ईच पेज एंड फॉर ईच फ्रेम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर ईच प्रोसेस. जी हाँ, जब भी क्या होता है कि सिस्टम के पास कोई भी प्रोसेस एंटर होती है तो यहाँ पर वो किसी प्रोसेस को क्या कर देता है, बहुत सारे पेजेस में डिवाइड कर देता है. लेकिन कौन सा पेज किस फ्रेम में स्टोर है, मेन मेमोरी में जाके वो किस फ्रेम में स्टोर हुआ है कोई पेज, तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक क्या बनती है, एक पेज टेबल बनती है, जहाँ पर एक साइड होते हैं पेज और एक साइड होते हैं फ्रेम. तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल मेंटेन करके रखता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू. तो सीपीयू जब किसी प्रोसेस या किसी पेज के लिए एड्रेस जनरेट करता है तो उसे क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन सी, लॉजिकल एड्रेस. तो जब भी कोई सीपीयू किसी पर्टिकुलर पेज या प्रोसेस के लिए एड्रेस जनरेट करता है तो कहलाता है लॉजिकल एड्रेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम द ओल्डेस्ट पेज इज चोजन टू रिप्लेस फ्रॉम द मेन मेमोरी. ऐसी कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसमें मेन मेमोरी से सबसे पुराना पेज, जो सबसे पहले आया था जो पेज, उसको रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अब कोई हमें न्यू पेज स्टोर करना है हमारी मेन मेमोरी में, तो वहां से हमें पहले कोई पुराना पेज हटाना पड़ेगा. तो कौन सा पेज, मतलब ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें सबसे पुराना पेज हटाया जाता है? ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, मतलब FIFO. यहाँ आपको नाम से समझ में आ रहा है, जो पेज सबसे पहले मेमोरी में स्टोर हुआ होगा उसे ही सबसे पहले हटाया जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेज फॉल्ट रेट मे इंक्रीज एज द नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स इंक्रीजेज. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फीफो के एक ऐसे रिजल्ट की, जब पेज फ्रेम या नंबर ऑफ फ्रेम्स जब क्या इंक्रीज कर दिए जाते हैं तो पेज फॉल्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. जनरली क्या होता है कि पेज फ्रेम बढ़ाने पर, फीफो में क्या हो रहा था कि पेज फ्रेम बढ़ाने पर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, जो कि अच्छी बात है. पेज फॉल्ट्स कम होने चाहिए किसी भी सिस्टम की सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पेज फॉल्ट्स कम से कम होने चाहिए. लेकिन अगर नंबर ऑफ पेज सॉरी नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पर पेज फॉल्ट भी बढ़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड वी लेडी एनोमैली. ये आपके एक रिजल्ट होता है फीफो का, जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स आई थी जिनमें नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पर हमारा नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी बढ़ गया था. तो यहाँ पर इस कंडीशन को कहते हैं वी लेडी एनोमैली. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दैट रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसी दूसरी कोई सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, जिसमें कि ऐसे पेज को हटाया जाता है जो बहुत देर बाद यूज होना है. यहाँ बात हो रही है आपके फ्यूचर की, फ्यूचर प्रिडिक्शन कि ऐसा कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसमें फ्यूचर देखा जाता है. ठीक है, कि पर्टिकुलर प्रोसेस या हमारे पास जो स्ट्रिंग है या पेजेस हैं तो इनमें से कौन सा पेज बहुत देर बाद यूज होगा, तो ये एल्गोरिथम होती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मतलब ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसलिए ही नाम दिया गया है उसमें क्योंकि इसमें सबसे कम पेज फॉल्ट होते हैं. लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूफ हुई थी क्योंकि प्रैक्टिकली हमें नहीं पता है ना कि कब कौन सा पेज आ जाए सिस्टम में, ना कब कौन सी रिक्वायरमेंट आ जाए और वो पेज कब यूज हो जाए. तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. बट यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, तो हम ये बता देते हैं कि ये कहाँ होती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में, जिसमें उस पेज को हटाया जाता है जो बहुत देर बाद यूज होना है. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम दैट रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की. ठीक है, तो ये एक ऐसी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जिसमें उस पेज को हटाया जाता है जो बहुत देर पहले यूज हुआ था, मतलब
एक ऐसा पेज जो बहुत देर से यूज हुआ ही नहीं है, तो उससे क्या कर देता है, सिस्टम हटा देता है, क्योंकि वो ये प्रिडिक्ट कर देता है कि ये बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसे क्या अभी ये यूज नहीं हो रहा है, तो इसे हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये किस एल्गोरिथम में होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो देखिए यहाँ पर आपको जो तीनों एल्गोरिथम है ना, इन तीनों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम मतलब कि जो सबसे मतलब बहुत देर पहले जो पेज यूज हुआ था उसको हमें हटाना है। ठीक है, जो बहुत देर पहले यूज हो रहा था उसको हटाना है। ऑप्टिमल में क्या होता है, जो बहुत देर बाद यूज होगा उसको हटाना है। तो यहाँ बात होती है आपके पास्ट की। ठीक है, कि सिस्टम में कौन सा पेज बहुत देर पहले यूज हुआ था और बहुत देर से यूज नहीं हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ सिचुएशन व्हेन द सिस्टम इज स्पेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स टाइम इन सर्विसिंग द पेज फॉल्ट, बट द एक्चुअल प्रोसेसिंग डन इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है सिस्टम में जब सिस्टम क्या करता है कि पेज फॉल्ट को हैंडल करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, जबकि जो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल कोई प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए उस पर क्या काम कम हो जाता है उसका। अब वो पेज फॉल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई पेज बार बार क्या हो रहा है, मेमोरी में नहीं मिल रहा है, मेन मेमोरी में कोई पेज बार बार नहीं मिल रहा है, तो उसे पेज फॉल्ट होना कहते हैं ना, मतलब पेज फॉल्ट हो रहा है। अब पेज रिप्लेसमेंट भी होगा, तो जो रेट ऑफ पेज फॉल्ट जब इतनी बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि पुअर पेजिंग एल्गोरिथम यूज हुई रहती है। मतलब पुअर पेजिंग एल्गोरिथम यूज हुई है, मतलब जो भी हमने अभी तक देखी कि कोई भी पेज रिप्लेसमेंट थ्योरम में ऐसी यूज करनी है जिसमें कम से कम पेज फॉल्ट आए। ठीक है, तो अगर कोई पुअर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज होती है तो वहां पर पेज फॉल्ट ज्यादा होने लगते हैं, और जब सिस्टम पेज फॉल्ट को हैंडल करना, मतलब ज्यादातर काम वो किस पे करता है, पेज फॉल्ट को हैंडल करने में। ठीक है, और उसकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो कम हो जाती है, वो नेग्लिजिबल हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? सो द सिचुएशन इज कॉल्ड थ्रेसिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो यहां पर आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू यूटिलाइजेशन, लेकिन थ्रेसिंग में क्या होता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन तो क्या होता है, गिरता ही गिरता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट बढ़ रहा है, पेज फॉल्ट ही मतलब पेज रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, पेज फॉल्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होनी थी वो नेग्लिजिबल हो गई, मतलब वो तो गिर ही गई है आपकी, देखिए ये यहाँ से ये गिर ही गई है। लेकिन साथ में क्या होगा कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी फिर क्या हो जाएगी, आपकी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पर जब सिस्टम प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, लेकिन बार बार पेज फॉल्ट होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर जो थ्रेसिंग होती है उसके कारण सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कम हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट, सो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, और यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई एमसीक्यूज चाहिए हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, तो मैं उन पर एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आऊंगी। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।